हेलो भाई, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है स्प्रेड नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में आरटीपीपी कॉन्स्टेबल एंड हेड कॉन्स्टेबल के फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं आरटीपीपी फिजिकल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ओनली फिजिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। फ्रेंड्स, आप नीचे आ जाइए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट बार एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्टली कैंडिडेट विल गो थ्रू द हाइट बार टेस्ट, देन कैंडिडेट क्वालिफाई इन हाइट बार टेस्ट विल गो थ्रू द फॉलोइंग पीईटी इवेंट। मतलब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी हाइट इसमें मापी जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स हाइट मापने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे रेस आपकी, और रेस के लिए फिर भेज दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो रेस मांगी गई है कॉन्स्टेबल में, ठीक है, 1.6 किलोमीटर, मतलब दोस्तों 1600 मीटर आपकी इसमें रेस होगी। ठीक है, आप कई फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि आपकी रेस सीधे रोड पे होगी, किस पे होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको गोल का मतलब कि वहाँ पे ग्राउंड मिलेगा आपको गोल चक्कर का। ठीक है, आपकी रेस वहाँ पे हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, को आपको टाइम मिलेगा 7.5 मिनट का। ठीक है, 7 मिनट 30 सेकंड का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। और जो भी फीमेल्स हैं उनको 800 मीटर रेस क्लियर करनी है 4.45 सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 मिनट 45 सेकंड में उनको रेस क्लियर करनी है। और इसमें आपको लॉन्ग जंप जो आपका मांगा गया था, जिसे लंबी कूद बोलते हैं, आपको जो मेल है उनको 11 फीट जंप करना है, और हाइंग जंप जिसमें आपका जो ऊंचा होता है, ठीक है, मतलब कूदना जिसे बोलते हैं जंपिंग, जो मतलब मेल है उनके जो ये 3.5 फीट होगा, और ये फ्रेंड्स मतलब हाइट बार हाइंग जंप फ्रेंड्स 3 फीट है, और लॉन्ग जंप 11 फीट है। ठीक है, और जो फीमेल है उनका जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है। इस पर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 चांस में क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको 4 चांस नहीं दिया जाएगा। और जो आप देख रहे हैं हाइंग जंप है, वो फ्रेंड्स मेल के लिए मतलब फीमेल के लिए जो इतना होगा 3 फीट का होगा, फीमेल्स के लिए 3 फीट का होगा जो मतलब हाइंग जंप होता है, और मेल के लिए 3.5 फीट है। इसमें मतलब आधे, मतलब आधे इसका फर्क है बस। इसमें आपको चांस दिए जाएंगे 3 चांस, मेल को फीमेल को दोनों चांस बराबर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेकंड में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, मतलब पीएसटी के बारे में। फ्रेंड्स, आप एक बार ऊपर देखिए, पीईटी विल बी ओनली क्वालिफिकेशन इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एन मार्क्स। फ्रेंड्स, आपको इसमें फिजिकल कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जो फिजिकल होगा दोस्तों ओनली आपके फिजिकल मानदंड के लिए दिया जाएगा, बस लिया जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स नीचा जी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीईटी विल हैव टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट टेस्ट, वेट फॉर कॉन्स्टेबल टेलर गार्डियन एंड कैबलर। फ्रेंड्स, आपको ये आप देख रहे हैं, आपने पोस्ट भरी होगी। ठीक है, आपको आपने वहाँ पे ट्रेड डाली होंगी, तो फ्रेंड्स उनका जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेबल टेलर गार्डनर एंड कोबलर। ठीक, आपको फ्रेंड्स जिन्हें आपने ये पोस्ट भरी होंगी वहाँ पे, ठीक है, उनका जो इसमें हाइट मांगी गई है, आपके जो जनरल एससी ओबीसी कास्ट से हैं, जो उनकी मेल, जो मेल कैंडिडेट है उनकी इसमें आपकी हाइट मांगी गई 167.5। ये फ्रेंड्स उनके लिए जिन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है, आप ऊपर देखिए ध्यान से, जो आप ये 3 देख रहे हैं ट्रेड, जिन्होंने ये ट्रेड डाली हुई है उनके लिए ये हाइट मांगी गई है आपकी 167.5 सेंटीमीटर। और जो फीमेल है फ्रेंड्स उनके जो में मतलब हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर आपसे मांगी गई है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे गरवाली, कुमानी, गोरखा, डोगरा, मतलब दोस्तों जो भी मतलब कि पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, उनकी जो इसमें हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों एसटी के लिए इसमें मतलब मेल के लिए जो एसटी से हैं, मतलब जो इसे पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, उनको इसमें आपकी एसटी की जो इसमें मांगी गई है हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ओनली मेल्स के लिए है। ठीक है, ओनली मेल के लिए है, बॉयज के लिए, जो जनरल एससी ओबीसी कास्ट से हैं उनकी जो चेस्ट मांगी गई है इसमें 80 से 85 होनी चाहिए, 80 बिना फुलाए और 85 फुला के। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं गरवाली, कुमानी, गोरखा, मतलब दोस्तों जो भी पहाड़ी इलाके से हैं उनकी जो इसमें चेस्ट मांगी गई है 78 से 83 के बीच में होनी चाहिए, मतलब बिना फुलाए 78 और फुला के 83। ठीक है, और एसटी का आप देख रहे हैं यहाँ पे 76 से 81 होनी चाहिए। और फ्रेंड्स नीचे देखिए वेट के बारे में बात कर लेते हैं आप। इसमें आपका वेट फ्रेंड्स मांगा गया है हाइट एंड एज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो वेट होना चाहिए मिनिमम आपके 50 kg वेट होना चाहिए। आपका 50 kg से कम है आपको वहां से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप में मिनिमम 50 होना ही चाहिए, 50 से ऊपर हो चल जाएगा, 50 से नीचे हो वो नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर सफाई कर्मचारी। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वाशरमैन, बार्बर, ठीक है, आपने अगर ये ट्रेड डाल रखी है उनकी जिसमें मांगी गई है चेस्ट, मतलब जनरल एस सी ओ बी सी जो उनकी हाइट मांगी गई है दोस्तों इसमें 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब पूरे 5 फुट 7 इंच में आपकी हाइट होनी चाहिए, जिन्होंने ये वाटर कैरियर सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन की ट्रेड डाली हुई है।
फ्रेंड्स फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और फ्रेंड्स जो भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनके इसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों एसटी के लिए इसमें 162 से इसमें फ्रेंड एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल के लिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है फ्रेंड सेम है, ठीक है, मेल्स का ही ऊपर नीचे हो रखा कुछ ये। एंड नीचे देखिए चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ओनली मेल्स के लिए से फ्रेंड्स मैं चेस्ट मैं बता रहा हूँ अभी। जनरल एससी के लिए फ्रेंड्स 80-85 होनी चाहिए, जनरल एससी ओबीसी के लिए 80-85 आपकी चेस्ट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, बिना फुला 80 फुला के 85, ठीक है। और फ्रेंड्स जो भी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं जैसे कि कुमानी गोरखा डोगरा इलाके से मतलब मराठा से बिलोंग करते हैं उनकी जो इसमें मांगी गई है चेस्ट 78 से 83 के बीच में होनी चाहिए, और एसटी के लिए दोस्तों 76 से 81 होनी चाहिए। और फ्रेंड्स वही बात कर लेते हैं वेट के बारे में, आपका वेट फ्रेंड्स आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, ठीक है, तो आपका वेट कम से कम 55 से ऊपर होना चाहिए, 55 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम मान लीजिए, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है मतलब ट्रेड के हिसाब से, तो आपका जो वेट है फ्रेंड्स आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब मिनिमम 50 तो होना ही चाहिए, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए आपका वेट, ठीक है। और फ्रेंड नीचे देखिए यहाँ पे रिटर्न, फिर आपका फ्रेंड्स इतना सब होने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख कैंडिडेट क्वालिफिन पीएसटी पीटी एंड ट्रेड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपेयर इन रिटर्न एग्जाम टेस्ट, मतलब दोस्तों इतना सब होने के बाद आपका जो रिटर्न टेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका फिजिकल ऐसे वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपको इन सब के लिए अगर आप पूरी तरह से मतलब क्लियर हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन सबको क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप फिजिकल में जाइएगा, ठीक है, तो आप फिजिकल के लिए एकदम प्रॉपर तैयार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।